गुड मॉर्निंग, हो गया आज का योगा सेशन और गर्मी बहुत थी, बट स्टिल जो मैंने आपको कल बताया था कल के व्लॉग में कि जब हम प्राणायाम करते हैं तो एक ऐसा मैजिकल इफेक्ट होता है कि हमारा सारा पसीना, हमारा जितना भी अशांत मन होता है वो सब शांत हो जाता है। तो आज है वट सावित्री की पूजा। तो ये एक पूजा है जो कि यूपी, बिहार और इस रीजन में बहुत सारे लोग करते हैं। तो इसमें हम बरगद जो होता है, बैनियन ट्री जो है, उसकी पूजा होती है। और तो जो सावित्री जी थी, ऐसी कहानियां हैं कि वो अपने पति को यमराज से छुड़ा करके लाई थी। तो ये जो पूजा है, ये घर के जो जो बीवियां हैं, जो वाइफ होती हैं, वो अपने हस्बैंड के लिए, अपने पति के लिए करती हैं। तो आज मेरे लिए पूजा होगी। थैंक यू यमराज जी एंड थैंक यू टू माई वाइफ कि आप लोगों ने ऐसी पूजा करी, क्योंकि अभी बाहर जा नहीं सकते, ज़्यादा कोरोना है और बरगद का जो बैनियन का ट्री है वो भी इतना इजीली अवेलेबल नहीं होता है हर जगह। तो फिलहाल मैं एक उसकी एक डली, एक उसकी एक छोटी सी ब्रांच ले आया हूँ घर पर। आज जाना है बैंक भी, पता नहीं जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे क्योंकि काम बहुत ज़्यादा है आज इधर उधर। तो लेट्स सी, बने रहिए आप वीडियो में और देखते रहिए कि बैंक जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे। बरगद का पौधा लग गया है। इसमें जो मेन चीज़ होती है कि इसकी एक नई कली जो है वो होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप जब इसको करते हैं तो, अगर आप घर पे था तो तब भी मैं ही इस पौधे को तोड़ के लाता अपनी मम्मी के लिए और अब अपनी वाइफ के लिए। चलो पौधा लग गया है, अंकिता करेगी पूजा, हम लोग आगे काम बढ़ाते हैं। शुरू हो गई है पूजा वट सावित्री जी की। क्या हुआ सीखो? बाहर जाने का बैंक होकर के आते हैं। गया बैंक और अभी 10 बजने में 2 मिनट बचे हुए हैं। सो वेट कर रहे हैं बाहर, ज़्यादा कुछ है नहीं यहाँ पे, शेड वगैरह है नहीं, अंदर जा नहीं सकते कोरोना की वजह से, इसलिए बाहर ही खड़े होकर के वेट कर रहे हैं। बैंक का सारा काम हो गया, वापस आ गया हूँ। अभी थोड़ा सा गर्मी कम थी सुबह सुबह में, तो होके वापस आ गया हूँ। अब फिर सुबह हम लोग का नाश्ता हुआ नहीं था,
वाटरमेलन, तरबूज, लीची, एप्पल, बाकी खा गए। और ये है गुलगुले, ये स्पेशल आज की पूजा के। आद्विक चलो गुलगुले खाओ। क्या पिया है आपने, जोर से बोलो। और मैंने गुलगुले खाया। बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है इस वक्त दिल्ली के अंदर, और होपफुली कि बारिश होगी जल्दी से जल्दी। तो मैंने, अगर आपने मेरा पिछले व्लॉग्स देखे होंगे तो मैंने आपको बताया था कि ये मेरी एक सेल्फी स्टिक है। जब मैं था उज्जैन में, तो वहाँ जब मैं दर्शन करने जा रहा था महाकाल के, तो टूट गया था। फिलहाल मैंने एक नया मोबाइल होल्डर अपने सेल्फी स्टिक के लिए मंगाया था, जो कि इसमें अटैच हो जाएगा। बट ये इसमें एक्चुअली लूज़ है ये प्लास्टिक, और ये मोबाइल को भी ठीक से नहीं होल्ड कर रहा था, तो इसलिए मैंने एक नया मोबाइल होल्डर मंगाया अमेज़ॉन से। तो ये है मोबाइल होल्डर जो मैंने मंगाया, जैसे स्लोविक का काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ पढ़े मैंने इसके, तो काफ़ी रिव्यूज़ पढ़ने के बाद मैंने इसको मंगाया, और इन्होंने फीडबैक के लिए भी लिखा हुआ है। हाथ में आते ही आई कैन फील दैट देर इज़ समथिंग नाइस, बिकॉज कैन फील द मटीरियल, इट्स हैवी। तो पीछे उन्होंने ना अपना नाम भी, ब्रांड भी दे रखा है स्लोविक। पापा ये हैवी है। यस बेटा, देखो इसको घुमा करके हम इसका डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। सो होपफुली कि ये मेरे सेल्फी स्टिक और प्लस ट्राइपॉड दोनों पे ही फिक्स हो जाएगा। इसको हाथ में लेके देखो। एक मिनट बेटा, तो इसको लगा के देखते हैं। तो काफ़ी अच्छे से फिट हो गया है ये इसमें। अपने मोबाइल को भी अगर मैं इसमें लगा के एक बार ट्राई करते हैं, तो मोबाइल भी फिक्स हो गया है। और रुक जा बेटा, रुक जा। हाँ, इसको घुमा के हम इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं अलग अलग तरीक़ों से। सो इसके अंदर हुक्स हैं, तो इन हुक्स में ये जाके फिट होता है अच्छे से अंदर, और फिर हम इसके नट को ऊपर से टाइट करते हैं। काफ़ी अच्छे से फिक्स हो गया है। नाउ वी कैन रिकॉर्ड थिंग्स इन दिस। ऐसा नहीं लगता कि चलते फिरते कहीं गिरेगा, बिकॉज इट्स नाइस एंड स्टर्डी। तो फिलहाल ये जो स्लोविक का प्रीमियम ट्राइपॉड माउंट अडैप्टर, ये मेरी सेल्फी स्टिक, मेरे ट्राइपॉड दोनों में ही अच्छे से लग जाएगा। जो मैंने इससे पहले ऑर्डर किया था अमेजन से, वो बिल्कुल ही बकवास था, नॉट वर्थ। तो अगर मुझे लगता है कि अगर आप, और ये इसका जो प्राइस है दैट इज़ ऑल्सो क्वाइट रीजनेबल, अराउंड 299 rupees का इसका प्राइस था। सो रादर देन स्पेंडिंग 150 rupees एंड गोइंग इट वेस्ट, इट्स बेटर टू स्पेंड 300 rupees and buy something which is sturdy, which is more durable. तो चलिए इसको हम यूज़ करेंगे, आगे देखते हैं कि इसका क्या रिव्यूज़ होता है। जो भी रिव्यूज़ होगा मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। फ़ोटो लोगे आप इससे? कैसे लोगे फ़ोटो?